हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 सिविक्स का चैप्टर, थर्ड चैप्टर, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। ये चैप्टर पूरी तरह से आप कह सकते हो कि इलेक्शन से रिलेटेड है, और ये चैप्टर आपके जिंदगी में हमेशा काम आने वाला चैप्टर है। बात समझ में आ रही है? तो इस चैप्टर में स्पेशली ये पढ़ेंगे कि भाई इलेक्शन क्यों जरूरी है, क्या डेमोक्रेटिक कंट्रीज में इलेक्शन होना चाहिए, या इलेक्शन होता है तो किस बेसिस पे होना चाहिए, भाई एजुकेशन के बेसिस पे होना चाहिए, या आप बोल सकते हैं कि नॉलेज के बेसिस पे होना चाहिए, या इलेक्शन जो होता है उस इलेक्शन को होने के लिए क्या क्या कंडीशन होने चाहिए, या जो कंट्री को रूल करेगा उस रूल लॉज बनाने के लिए, रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए क्या कंडीशन होने चाहिए, कौन बनाएगा, तो वो सारी चीज़ें आज हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है वाई इलेक्शन, कि भाई इलेक्शन क्यों हो। आप ही सोचो कि इलेक्शन क्यों किया जाए, इलेक्शन करने से क्या फायदे हैं या क्या नुकसान है, जरा आप सोचे। चलिए, सबसे पहले जो आपका टॉपिक है वो है स्टेट असेंबली इलेक्शन इन हरियाणा। ये एक ऐसा स्टोरी है, हरियाणा का स्टोरी है। इस स्टोरी में क्या होता है बेटा, चलिए हम देखते हैं। ठीक है, द स्टेट हैड बीन रूल्ड बाई कांग्रेस पार्टी लेट गवर्नमेंट सिंस 1982। बात समझ में आ रही है? मतलब 1982 तक या उससे पहले तक किसकी गवर्नमेंट थी? कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। बात समझ में आ रही है? उसका बहुत सारे रीजन हो सकते हैं कांग्रेस की गवर्नमेंट होने की, क्योंकि जो भी हम इंडिपेंडेंस हमें जो मिला उस इंडिपेंडेंस में कांग्रेस पार्टी का सबसे ज्यादा आप बोल सकते हो कि पार्टिसिपेशन था, या आप कह सकते हो कि सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस था। बात समझ में आ रही है? तो वो भी एक रीजन हो सकता है कांग्रेस को हरियाणा में कंटिन्यू रूल करते रहना। बात समझ में आ रही है? या ये भी हो सकता है कि कांग्रेस बहुत अच्छा कर रही हो हरियाणा में, जिसकी वजह से वहाँ की जो पब्लिक है बार बार उन्हें चूज कर रही हो। ठीक है, तो सिंस 1982 तक कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस आराम से एंजॉय कर रही थी, और पब्लिकों का जो भी, पब्लिक का जो भी इशू था उस इशू पे वो काम कर रही थी। ठीक है, चौधरी देवी लाल, अभी समझ में नहीं आता, चौधरी देवी लाल, ठीक है, नाम है, एक लीडर है, देन ही अपोजिशन लीडर। ये कौन है बेटा? चौधरी देवी लाल। अब देवी आ गया तो वो भी ना समझ लेना, ठीक है, मेल है। चौधरी देवी लाल ये कौन थे? अपोजिशन लीडर थे। तो ठीक है भाई, हर एक पॉलिटिक्स में अपोजिशन होते हैं, और रूलर पार्टी होती है, अपोजिशन पार्टी भी होती है, तो अपोजिशन लीडर है। लेट अ मूवमेंट कॉल नया युद्ध, इन्होंने एक अब बोल सकते हो मूवमेंट स्टार्ट किया, और उस मूवमेंट का नाम क्या था? नया युद्ध। अगर उसे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो स्ट्रगल फॉर जस्टिस, क्या मतलब निकलता है बेटा? स्ट्रगल फॉर जस्टिस, न्याय युद्ध। अब ये न्याय का जो मूवमेंट स्टार्ट किया, क्यों स्टार्ट किया देखेंगे। एंड फॉर्म द न्यू पार्टी लोकदल, और उन्होंने एक नया पार्टी फॉर्म किया, और उस नया पार्टी फॉर्म करने का नाम क्या था उस पार्टी का? लोकदल। ऐसे भी अगर आप सोचेंगे, लोक हिंदी वर्ड है, लोक का मतलब जनता, दल, लोक जनता, दल मतलब लोगों का दल, लोगों का समूह, ग्रुप ऑफ पीपल, कितना खूबसूरत नाम है ना। बात समझ में आ रही है? तो देवी जी ने बहुत अच्छा काम किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन, और इन्होंने क्या प्रॉमिस किया कि जब हमारी गवर्नमेंट बनेगी तो हमारी गवर्नमेंट बनने के बाद हम क्या करेंगे, हम वेव कर देंगे। क्या वेव करेंगे? लोन्स। किसके लोन्स वेव करेंगे? तो फार्मर्स के, और किसके लोन? तो स्मॉल बिजनेसमैन के। भैया बड़े बिजनेसमैन की बात नहीं किया इन्होंने, जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनके भी लोन हम माफ कर देंगे, जो फार्मर से उनके भी लोन हम माफ कर देंगे। और इन्होंने प्रॉमिस किया कि फर्स्ट सेशन ऑफ इस गवर्नमेंट, जैसे ही हमारी गवर्नमेंट होगी, सबसे पहला जो हमारा काम होगा वो ये काम होगा कि हम गवर्नमेंट के, जैसे हम गवर्नमेंट में आएंगे, सबसे पहले हमारा ये काम होगा कि हम फार्मर्स और स्मॉल बिजनेसमैन के जो लोन है उस लोन को हम क्या कर देंगे? माफ कर देंगे। बहुत अच्छा काम करेंगे, वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं। आफ्टर 3 डेज या कुछ दिनों बाद इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड। बात समझना, तो ये इन्होंने प्रॉमिस किया था, और प्रॉमिस करने के बाद उन्होंने इलेक्शन लड़ा। ठीक है, इलेक्शन लड़ने के बाद से रिजल्ट आया, रिजल्ट आने के बाद से इन्होंने क्या हुआ? बिकम द चीफ मिनिस्टर। अरे वाह, ये तो जीत गए, और जीतने के बाद से क्या बन गए? चीफ मिनिस्टर बन गए। कौन? चौधरी देवी लाल। देवी से कुछ और ना समझना। इस गवर्नमेंट इश्यूड द गवर्नमेंट ऑर्डर, और इन्होंने जो प्रॉमिस किया था, उन्होंने प्रॉमिस को, प्रॉमिस जो किया था इन्होंने, इन्होंने ऑर्डर इश्यू किया
वेविंग द आउटसाइड लॉन्स ऑफ ए स्मॉल फार्मर्स. इन्होंने जो प्रॉमिस किया था उन्होंने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग इन्होंने ऑर्डर इशू कर दिया कि भैया आप वेव कर दो, माफ कर दो स्मॉल फार्मर्स के लोन को, एग्रीकल्चर ठीक है लेबरर्स के लोन को एंड स्मॉल बिजनेसमैन के लोन को. इन्होंने जो प्रॉमिस किया था उन्होंने प्रॉमिस भी पूरा किया ना. बोला था बिजनेसमैन के स्मॉल बिजनेसमैन के लोन को माफ कर देंगे, लोन माफ किया. बोला था फार्मर्स के लोन को माफ कर देंगे, फार्मर्स के लोन को माफ किया. लेबरर एग्रीकल्चर जो भी थे ठीक है पुअर लोग उनके लोन को इन्होंने माफ कर दिया. हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 ईयर और इनकी पार्टी 4 साल तक फुल एंजॉय की, 4 साल तक रूल की. क्यों? क्योंकि इन्होंने जो प्रॉमिस किया था उस प्रॉमिस को इन्होंने पूरा भी किया. और फिर इलेक्शन होगा, अगर उन्होंने अच्छा काम किया होगा तो जीतेंगे, अच्छा काम नहीं किया होगा तो फिर अच्छे दिन नहीं आएंगे. आई बात समझ में? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? व्हाई डू वी नीड इलेक्शन. आप सोचो भाई इलेक्शन की क्या जरूरत है? ठीक है सब लोग तो अपना खाते अपना पीते हैं, सब कुछ अपना करते हैं, तो फिर इलेक्शन की क्या जरूरत है? चलिए पढ़ेंगे. लेट अस ट्राई टू इमेजिन डेमोक्रेसी विदाउट इलेक्शन. मान लो हमारी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, हाँ, और इस डेमोक्रेटिक कंट्री में कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है तो क्या होगा बेटा? अ रूल ऑफ द पीपल इज पॉसिबल विदाउट एनी इलेक्शन इफ ऑल द पीपल कैन सिट टुगेदर एवरीवन एंड टेक द ऑर्डर डिसीजन. क्या ये पॉसिबल है कि आपकी कंट्री डेमोक्रेटिक कंट्री है, अच्छी बात है, और आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, उस डिसीजन लेने के लिए एक कोई पर्टिकुलर प्लेस आप डिसाइड करो, पर्टिकुलर डेट डिसाइड करो, और बताओ कि उस दिन पूरे कंट्री के लोग आके वहां बैठे और डिसीजन ले किसी एक पर्टिकुलर चीज पे या वेरियस टाइप ऑफ इश्यूज पे, क्या ये पॉसिबल है? नहीं, नहीं पॉसिबल है. बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? चलिए. इज इट अ डेमोक्रेसी या डेमोक्रेटिक वे ऑफ सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव विदाउट इलेक्शन. क्या ये पॉसिबल है कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में विदाउट इलेक्शन आप किसी को रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट कर दो? क्या ये पॉसिबल हो सकता है? यस और नो? अगर यस तो वाई, अगर नो तो अगेन क्वेश्चन वाई. आइए पढ़ते हैं. लेट अस थिंक ऑफ द प्लेस वेयर द रिप्रेजेंटेटिव आर सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ एज एंड एक्सपीरियंस. अगर मान लो आप किसी इंसान को, किसी रिप्रेजेंटेटिव को एज के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हो, उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हो, तो ये क्या सही है पॉलिटिकल वे में? क्या लीडर्स के लिए होना सही है? अब एज से आप नहीं बता सकते ना, एज और लीडर में क्या कॉम्बिनेशन है? समझ में आ रही बात? तो ये पॉसिबल होगा? नहीं. चलिए. ऑन द प्लेस वेयर दे आर चोजन ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन और द नॉलेज. क्या ये पॉसिबल है कि नॉलेज के बेसिस पे आप लीडर को या रिप्रेजेंटेटिव को आप इलेक्ट करो, चूज करो, या आप उनके एजुकेशन के बेसिस पे चूज करो? बात समझ में आ रही है? ऐसा नहीं हो सकता. बात समझ में आ रही है? क्योंकि पॉलिटिक्स और एजुकेशन और नॉलेज, एज, एक्सपीरियंस, ये थोड़ा क्या होता है बेटा, डिफरेंट हो जाता है, इससे कोई रिलेशन नहीं होता है. बात समझ में आ रही? फॉर एग्जांपल आपकी क्लास में बहुत सारे बच्चे हैं, ठीक है, लेकिन उसमें जो सबसे ज्यादा पढ़ने वाला, हो सकता है कि वो सिर्फ अपने आप से मतलब रखता हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसे होते हैं जो कि पढ़ाई नहीं करते लेकिन उनकी बात सब मानते हैं, सब सुनते हैं, वो जो डिसीजन लेता है सब सुनते हैं, वो जो काम करता है पढ़ाई को छोड़ के सारा अच्छा काम करता है, उसे सभी का फायदा होता है, हो सकता है ना. लेकिन जो पढ़ने वाले हो सिर्फ अपने आप से मतलब रखते, सिर्फ पढ़ते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, बताओ, अब वैसे बच्चे को लीडर बना दो, पॉसिबल है? समझ में आ रही बात? तो इससे कोई कनेक्शन ही नहीं है. बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? चलिए आगे बढ़ते. नेक्स्ट टॉपिक क्या हमारा? इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस. अगर इलेक्शन होता है तो वोटर के पास बहुत सारे चॉइसेस होते हैं ना, मतलब बहुत सारी पार्टीज होती हैं. अब उस पार्टीज में जिस पार्टीज को आप सबसे ज्यादा, या जो पार्टी सबसे ज्यादा अच्छा काम कर रही है, या जो पार्टी अच्छा काम करने की प्रॉमिस कर रही है, आप उसे चूज कर सकते हैं. यही तो टॉपिक कह रहा है. इन एन इलेक्शन द वोटर्स मेक मेनी चॉइसेस. क्या इलेक्शन में वोटर्स के पास बहुत सारे चॉइसेस होने चाहिए? यस और नो? यस. दे कैन चूज हु विल मेक लॉज फॉर देम. होने चाहिए ना कि वो क्या कर सके, उनके लिए लॉज बना सके. दे कैन चूज हु विल फ्रॉम द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन. इसलिए भी चूज करने चाहिए कि जो बड़े मेजर डिसीजन है वो उस डिसीजन को ले सके आसानी से. समझ में आ रही बात? दे कैन चूज द पार्टी हूज पॉलिसीज विल गाइड इन गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग. बात समझ में आ रही? वो गवर्नमेंट को क्या करे, चूज द पार्टी, वो पार्टी को चूज करे और उसके साथ साथ पॉलिसीज बनाए, उसके साथ साथ गवर्नमेंट को गाइड करे और उसके साथ साथ लॉ भी बनाए. बात समझ में आ रही है? तो ये सारे काम करने के लिए आपने क्या करने होंगे, वोटर्स को चूज करने होंगे. बात समझ में? इलेक्शन कराने होंगे तो ही वोटर्स
किसी अपने अकॉर्डिंग किसी रिप्रेजेंटेटिव को चूज करेगा, और वो चूज करने के बाद से वो रिप्रेजेंटेटिव इतने सारे काम करेंगे। बात समझ में आ रही है, यस और नो? चलिए नेक्स्ट क्या है, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? क्या इलेक्शन डेमोक्रेटिक होना चाहिए या नहीं चाहिए? फेयर एंड ट्रू होना चाहिए ना, हाँ या ना? आइए पढ़ेंगे, अ सिंपल लिस्ट ऑफ द मिनिमम कंडीशन ऑफ द डेमोक्रेटिक इलेक्शन। कुछ आप बोल सकते हो कंडीशन है, अगर वो कंडीशन फुलफिल हो रहा है तो मान लिया जाएगा कि भैया जो इलेक्शन हो रहा है वो क्या है, डेमोक्रेटिक इलेक्शन है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन है। फर्स्ट क्या होना चाहिए, एवरीवन शुड बी एबल टू चूज। हर एक इंसान को यह चॉइस देनी चाहिए कि वो अपने पसंद का क्या करे, वोट करे, या अपने पसंद का लीडर को चूज कर सकता है। दिस मीन द एवरीवन शुड हैव वन वोट एंड एवरी वोट शुड हैव द इक्वल वैल्यू। हर एक इंसान, वो क्यों, आप ब्राह्मण क्यों ना हो या शेड्यूल ट्राइब शेड्यूल कास्ट के क्यों ना हो, आपका एक वोट के जितनी वैल्यू है उतनी वैल्यू शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट वाले लोगों को भी मानी जाएगी। बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट कंडीशन। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? टॉपिक क्या था बेटा, व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक? किस बेसिस पे आप मान लोगे कि भैया इलेक्शन जो हो रहा है डेमोक्रेटिक हो रहा है, कि हर एक इंसान के वोट को माना जाता है क्या बेटा, इक्वल। ये हो गया फर्स्ट। चलिए सेकेंड क्या होगा, आइए देखते हैं। सेकेंड क्या है, समथिंग टू चूज फ्रॉम पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर सम रियल चॉइस टू द वोटर्स। सबसे पहला, समथिंग टू चूज फ्रॉम द पार्टीज एंड कैंडिडेट। भाई पार्टीज एंड कैंडिडेट को चूज करने का उनके पास ऑप्शन हो, पहली बात। दूसरा क्या कह रहे हैं कि इलेक्शन क्या हो, फ्री हो एंड कंटेस्ट इलेक्शन एंड शुड ऑफर द सम रियल चॉइस ऑफ द वोटर्स, और वोटर्स को चॉइसेस मिले कि भाई हम जीत जाने के बाद से, मान लो जैसे एग्जांपल दिया था किसानों की लोन माफ कर देंगे, या हम जीत गए तो एजुकेशन में कुछ अच्छा काम करेंगे, एजुकेशन में कुछ रिफॉर्म्स लेके आएंगे। बात समझ में, किसी को घर नहीं है उसको घर देंगे, ये कुछ चॉइसेस होने चाहिए वोटर्स के पास। बात समझ में आ रही? हाँ, नेक्स्ट वन क्या है बेटा, ये तो होगा सेकंड। थर्ड क्या कर रहा है, द चॉइस शुड बी ऑफर्ड एट रेगुलर इंटरवल, फर्स्ट इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। मतलब कहने मतलब हर 5 साल पे इलेक्शन होने चाहिए, ऐसा नहीं कि एक बार इलेक्शन हो गया और 10-15 साल इलेक्शन ही नहीं हुआ, और पता नहीं आप उस पार्टी को पसंद किए थे स्टार्टिंग में, बाद में वो पार्टी अच्छा नहीं कर रहा है और आप चाहते हो उस पार्टी को चेंज करना, लेकिन इलेक्शन नहीं हो रहा जिसकी वजह से आप उस पार्टी को चेंज नहीं कर पा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही है? इलेक्ट क्या बात, क्या कह रहा है, थर्ड चॉइस शुड बी ऑफर्ड रेगुलर इंटरवल्स। मतलब जो इलेक्शन होना चाहिए वो हर 5 साल पे इलेक्शन होना चाहिए, 5 साल पे होता है ना, और 5 साल पे इलेक्शन होना चाहिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, फोर्थ क्या बेटा, कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। बात समझ में आ रही? फोर्थ क्या कह रहा है, जो कैंडिडेट है उनके पास ये प्रेफरेंस होनी चाहिए कि वो पीपल शुड बी गेट इलेक्टेड, कि लोग उनको चूज करें, वो खुद ही आके नहीं बोलते कि भैया आई एम द विनर, ऐसा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आ रही? ये जो जो पार्टी है, जो कैंडिडेट है, उन्हें कौन चूज करेगा, उन्हें कौन जिताएगा, उन्हें कौन आप बोल सकते हो कि विनर बताएगा, उन्हें कौन पार्लियामेंट और विधानसभा में लेकर आएगा, वो चॉइस किसके पास होनी चाहिए, वो चॉइस पीपल के पास होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया फोर्थ कंडीशन। फिफ्थ वन क्या बेटा, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन द फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज एज दे रियली विश। बात समझ में आ रही है? पांचवा ऑप्शन होना चाहिए लोगों के पास, पब्लिक के पास, कि वो जिसे चाहे उसे चूज करे, और उसमें फ्री एंड फेयर होना चाहिए, कोई उसमें चीटिंग नहीं होनी चाहिए। बात समझ में आ रही है, हाँ या ना? वो जिसे चाहते उसे रैली में जिसे चाहते उसे चूज कर सके। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये थे हमारे आज के छोटे से टॉपिक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।